संदीप महेश्वरी जी ने अपने एक सेशन में बताया था कि एक लेवल है लोगों का जो जानवरों से भी नीचे है। वो क्या है? वो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिन्होंने पैसा खूब कमाया है, फिर भी पैसों के लिए ही जिए जा रहे हैं। जानवरों से भी नीचे का लेवल नहीं हो गया? बेवकूफ़ी की हद। देखा है ना ऐसे लोगों को कि गले पर बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक बस नोट गिने जा रहे हैं, बैठे हैं, काट रहे हैं ज़िंदगी पैसा होने के बावजूद भी। इसको इंटेलिजेंट लिविंग नहीं कह सकते। एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे के लिए जी रहा है, समझ में आता है। उससे भी नीचे के लेवल के वो लोग हैं कि उनके पास इतना पैसा है कि सब बैठकर खा सकते हैं, फिर भी बोल रहे होते कि भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक लेवल उससे भी नीचे का क्या है कि उनके पास पैसा है, फिर भी ऐसे लोगों का पैसा मार रहे हैं जिनके लिए वो पैसा लाइफलाइन के जैसा है। कोई ऐसा बंदा है जो प्यास से तड़प रहा है 10 दिन से, अगर उसको वो एक ग्लास मिल जाए तो वो ज़िंदा रहेगा, वो उससे भी वो एक ग्लास छीन रहे हैं और ख़ुद के पास कुएं खोदे पड़े हैं। ये उससे भी नीचे के, बल्कि सबसे नीचे के लेवल के लोग हैं। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ लिविंग क्या है? कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो मीनिंगफुल हो, सिर्फ आपकी लाइफ के लिए नहीं औरों के लिए भी। यानी जब आप इस दुनिया से जाओ तो एटलीस्ट ये हो कि हाँ यार, ये बंदा दुनिया में आया तो इसने कुछ तो किया। चाहे 2-3 लोगों की लाइफ, 2 भी छोड़ो, किसी एक की लाइफ आपकी वजह से बेटर हुई, आपके दुनिया में आने की वजह से, तो क्या मीनिंग आया या नहीं आपकी लाइफ में? तो ये मीनिंग ही तो हमें अलग करता है जानवरों से और इंसानों से। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं। जानवर का मतलब क्या है? कि सिर्फ अपने लिए जिए, अपने लिए मरे। कुछ ऐसे लोग जो बदले में हमें कुछ नहीं देने वाले, उनके लिए भी पूरे दिल से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपना नुकसान एक बार फिर भी होने दोगे, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान किसी हालत में नहीं करोगे। ये है मीनिंगफुल लाइफ। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हुए, द मोस्ट फुलिश वे टू लिव योर लाइफ एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट वे टू लिव योर लाइफ। द मोस्ट फुलिश वे क्या है? कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो 1 मिनट भी करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी कर रहे जा रहे हैं सुबह से शाम तक। इसको क्या कहेंगे? फुलिश लिविंग नहीं कहेंगे? जैसे जानवरों को कैद करके रखा जाता है, उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएंगी, पर बैल से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुझे हल चलाना पसंद है या नहीं। एक एनिमल किंगडम है और एक ह्यूमन किंगडम है। एनिमल्स आर लिविंग ओनली फॉर सर्वाइवल। सुबह से रात तक उनके लिए क्या है? सिर्फ सर्वाइवल है। एक बचना है कि कोई मुझे मार ना दे, एक किसी को मारना है ताकि खुद ज़िंदा रहे। बट द बॉटम लाइन इज़ कि जब लोगों के फ़ायदे के लिए कोई इंसान कुछ करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका नुकसान हो इन द लॉन्ग रन। दोस्तों, आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।